वॉट इज इंसोमिया। चलिए आज हम बात करते हैं कि इंसोमिया क्या होता है। इंसोमिया एक बीमारी है जिसके कारण आप सो नहीं पाएंगे, जो मर्जी कर लीजिए आप सो नहीं पाएंगे। ये आपकी हैबिट बन जाती है। हैबिट ऐसे बनती है जब आप देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो मेन रीज़न होते हैं वो होता है कि आप स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हो, आपको अपने काम का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके बारे में सोच रहे हो, स्कूल का है, हेल्थ का है, फाइनेंस का है, हो सकता है अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, एंड आप देर रात तक जाग रहे हो, अपने दिमाग को सोने नहीं दे रहे, तो वो सब इसके मेन कारण हो सकते हैं। एक दूसरा जो मेन कारण होगा कि वो आप फोन और डिप्रेशन, एंजाइटी से, ये सब इसके कारण हो सकते हैं सिम्टम, ये सब तो हो सकता है। और इसलिए आप थोड़ा स्ट्रेस रहना कम कीजिए, फ़ोन चलाना लिमिटेड कीजिए, बंद ही नहीं कर दीजिए, मतलब इसको थोड़ा लिमिटेड कर दीजिए कि एक दो घंटा भी ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं करना। और इसकी और ये आता जाता रहता है, मतलब कि इसकी आप दवाई भी ले लेंगे ना तो वो आपको ठीक नहीं करेगा, चाहे इसकी थेरेपी ले कुछ भी, मतलब वो आपको प्रॉपरली ठीक नहीं कर पाएंगे। इसका कोई ट्रीटमेंट तो है लेकिन आप उससे ठीक हो जाएंगे इसका कोई भी वो कह नहीं सकते कोई डॉक्टर्स भी। सो इससे आप खुद ही कर सकते हो अपने, क्योंकि आपका दिमाग आपके बस में हो सकता है, आप वो चीज़ जो आप कर सकते हो वो डॉक्टर्स भी नहीं कर पाएंगे। तो इसका जो बेसिक टिप्स हैं कि हाउ कैन यू स्टॉप इंसोमिया, सो ये है कि स्टे एक्टिव, कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए और चेक योर मेडिकेशंस, अवॉइड ड्रिंक्स वो सब कुछ अवॉइड कीजिए जिसमें निकोटीन ज़्यादा है, और आप चाय कॉफ़ी वगैरह कम पीजिए, बिकॉज चाय कॉफ़ी भी हम तभी पीते हैं ना कि जब हमें नींद आ रही है और हमें कुछ किसी रीज़न के कारण जागना है, पढ़ना है, तो वो सब कम कीजिए। और इसके साथ अपने की शेड्यूल रखिए कि हमें ऐसे सोना है, ऐसे उठना है, मतलब कि एक टाइम होगा जब आपने सोना है तो सोना है, उसमें ये सब फ़ोन वगैरह मत यूज़ करो ना। तो इसके साथ एक और है कि नैप्स वगैरह भी लिमिटेड कीजिए, जो आप कभी कभी सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए वो भी लिमिटेड कीजिए, वो भी इनफैक्ट बंद ही कर दीजिए। ओवरथिंक करना बंद कीजिए, जब आप ओवरथिंक करेंगे तभी भी ये प्रॉब्लम होगी आपको। और इसका एक और है कि अगर इसके 10 मिलियन केसेस ना सिर्फ इंडिया में ही हैं, उससे भी ज़्यादा, तो आप देख सकते हो कितने लोग इसके शिकार हो चुके हैं और कितने होते हैं। तो ये सब आप करोगे तो ठीक हो जाओगे, बिकॉज आपका जो आपका सबसे बड़ा एसेट है वो आपका माइंड सेट है। तो वो लाइफ को इंजॉय कीजिए, उसको सफ़र मत कीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं 4 दिन की कहते हैं ना ज़िंदगी। और पॉजिटिव सोचिए, ये सब हेल्प करेंगे आपको।